93% सक्सेस रेट आपको मिलेगा। रिजल्ट जो है वो आप देखो कि फर्स्ट मंथ में इनकी कंडीशन कैसी थी, बाढ़नेस की स्थिति कैसी थी, सेकंड मंथ में इनको जो रिज़ल्ट मिला कुछ इस तरीके से मिला सिर्फ सेकंड मंथ में ही, और थर्ड मंथ में इनके जो रिज़ल्ट रहे हेयर की ग्रोथ के और हेयर की थिकनेस के वो अमेजिंग। तराया हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट, जी हाँ, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने, जी हाँ बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि तराया हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट के ऊपर मैं रिव्यू देने के लिए, तराया हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तराया हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट वाकई हेयर लॉस को रोकने में और हेयर की ग्रोथ और थिकनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है क्या, आपकी अगर बाल्डनेस है यानी कि गंजापन है तो क्या गंजेपन को दूर करने में ये आपकी मदद करता है, उसके ऊपर नए बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। तो मैं आपको बताऊँ कि तराया हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट का जो वाइड रेंज और इसकी जो ऑफिशियल साइट है, अगर हम इस पर जाते हैं तो ये 93% सक्सेस रेट की आपको गारंटी देते हैं। अगर इनके रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो ये एक रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर मौजूद है। अगर आपके बाल्डनेस की स्थिति कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आपका जब आप जब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो इनकी स्थिति कुछ इस तरीके की थी, दूसरे महीने में स्थिति कुछ इस तरीके की हुई और तीसरे महीने में जो इनका कंडीशन रहा वो ऐसा रहा, यानी कि जो रिजल्ट इनको मिला है वो अमेजिंग है, बेहतर है। ये इनके वेबसाइट के ऊपर है जो मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर गंजेपन की प्रॉब्लम है, चाहे मेल पैटर्न हेयर लॉस क्यों ना जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दूसरे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, जी हाँ, इसलिए इसको आखिर तक देखना। तो ये है तराया का ऑफिशियल पेज जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बहुत सारे रेंज मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप एक किट के तौर पे भी ले सकते हो, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी आप चाहो तो एक एक करके ले सकते हो जो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए टेस्ट लेते हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं 93% सक्सेस रेट इन 5 मंथ्स। तो यहाँ जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि 93% सक्सेस रेट आपको मिलेगा 5 महीने में। ज़रूरी नहीं कि 5 महीना लगे, हो सकता है कि कम भी लगे, हो सकता है कि ज़्यादा भी लगे, अर्थात 93% सक्सेस रेट का दावा ये यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए तो टेस्ट लेते हैं, टेक ए टेस्ट अगेन, क्योंकि पहले मैंने लिया हुआ है इसलिए मैं दोबारा से जो है वो टेस्ट लूँगा ताकि आपको इसका डिटेल दे सकूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो ये मुझसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो मैं अपना यहाँ पर नाम फिल कर देता हूँ, हेल्थ ट्यूबर बोलकर, जो मेरा एक अलग चैनल है। और इसके बाद हम आगे जाते हैं तो ये मुझे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। फिर ये मुझसे ईमेल आईडी पूछता है, ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये मुझसे एज पूछ रहा है, तो आपका जो एज है वो आप डाल देना, मैं यहाँ पर अपना एज डालता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि जेंडर क्या है हूँ। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछता है डू यू हैव डैंड्रफ, तो भाई मैं डैंड्रफ मेरा नहीं है, मैं इसे चूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं डैंड्रफ नहीं है, ओके, सो मैं ये डैंड्रफ नहीं है चूज़ करता हूँ। व्हाट आर योर मेजर हेयर गोल, हेयर गोल मेरा क्या है, रीग्रो करना चाहता हूँ मैं हेयर को, बिल्कुल करना चाहता हूँ, हेयर फॉल को रोकना चाहता हूँ, चलो मैं ये ले लेता हूँ हेयर फॉल को और रोकना चाहता हूँ, ये आपको डेमोंस्ट्रेशन के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद डिले ग्रेइंग, ओके, वक्त से पहले अगर सफ़ेद हो जाता है हेयर्स तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए डिले ग्रेइंग करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब इसके बाद मुझसे ये पूछा फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो फैमिली हिस्ट्री मैं ऐसा करता हूँ कि फादर के साइड से मेरा हेयर लॉस हो रहा है जो कि जेनेटिक है, वो मैं इसको बता रहा हूँ। अब इन्होंने मुझे कुल 6 स्टेजेस यहाँ पर दिया है हेयर लॉस का पिक करने के लिए कि आपका हेयर लॉस का कंडीशन क्या है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सेकंड स्टेज ले लेता हूँ, आप अपने अनुसार ले लेना, सेकंड स्टेज का मैं लेता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। फिर मुझसे ये पूछ रहा है कि हैव यू एक्सपीरियंसड एनी ऑफ द ब्लो लास्ट 1 ईयर, एक साल में कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, हैवी वेट लॉस हुआ हो या हैवी वेट गेन हुआ हो, सीवियर इलनेस है, तो मैं इसे नन करता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ।
इसके बाद ये मुझसे क्वेश्चन करता है कि हाउ एनर्जेटिक डू यू फील, आप कितना एनर्जेटिक फील करते हो। तो मैं इसको ऑलवेज हाई करता हूँ। और इसके बाद डू यू फील कॉन्स्टिपेटेड, नो रेयरली। और फिर इसके बाद ये मुझसे पूछता है डू यू हैव गैस और एसिडिटी और ब्लोटिंग, नहीं भैया नहीं है, तो मैं इसे नो करूँगा। हाउ स्ट्रेस आर यू, कितना स्ट्रेस फील करते हो आप। तो स्ट्रेस तो कुछ ना कुछ होता है, नन तो नहीं ले सकते कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, लो स्ट्रेस है या मॉडरेट है। अगर हम काम कर रहे हैं फैमिली में या वर्क एजुकेशन है जो भी है, तो स्ट्रेस तो थोड़ा होता है, तो मैं इसे मॉडरेट रखता हूँ। हाउ वेल डू यू स्लीप, आपका जो स्लीप टाइमिंग है क्या है। वेरी पीसफुली, 6 से 8 घंटे तक आराम से आप जो है वो नींद लेते हो, या डिस्टर्बेंस होती है बीच बीच में उठते हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वेरी पीसफुली 6 to 8 आवर्स का जो नींद है वो मैं लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड वगैरह का, या विटामिंस की कमी तो नहीं है। तो ये मैं इसको करता हूँ नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, थायराइड का तो नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन विटामिंस की डिफिशियंसी आई डोंट नो, सो नॉट श्योर। डू यू हैव ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, तो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे नन करूँगा। और इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है अपना फ़ोटो, कि आप अपना फ़ोटो दीजिए। तो मैं इनको अपना एक पहले का फ़ोटो, जी हाँ पहले का एक फ़ोटो मैं इसको चिपका देता हूँ, भेज देता हूँ। ओके, मैं इसे अपना ये फ़ोटो दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं रिज़ल्ट देखता हूँ कि ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है। जैसा कि मैंने बताया कि फादर के साइड में हेयर लॉस की कंडीशन थी, इस वजह से मेरा स्टेज ये 2 पर है, और ये स्टेज 1 तक मुझे लेकर के जाने के लिए कह रहा है। और ये कह रहा है कि योर हेयर लॉस बिगन, आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका है और आप वापस से रीग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए ये कुछ रूट कॉजेज जो बता रहा है, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में भी बताता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि जेनेटिक की वजह से हेयर लॉस है। आप अगर चाहें तो ये जेनेटिक का जो मैंने एंटर किया था तो आप उसे हटा सकते हो। तो जेनेटिक की वजह से हेयर लॉस है, लाइफ स्टाइल की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, जैसा कि मैंने लिखा कि मॉडरेट स्ट्रेस रहता है, तो उसके लिए इसने रूट कॉज ये दिखाया। न्यूट्रिशन की वजह से है, जो अक्सर जो है वो बताएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन विटामिंस की कमी ऑलमोस्ट होती ही है, तो ये चीज़ें ये सजेस्ट कर रहा है कि आपका रूट कॉज ये है। और इसको जब हम ड्रैग डाउन करते हैं तो फिर ये मुझे 1 महीने का प्लान दे रहा है कि आपको एक किट लेना है, हेयर ग्रोथ किट, जो कि 2440 रुपये का आएगा, और आपको इसे लेना है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मिनोक्सिडिल 5% का सॉल्यूशन है, जो कि 650 का है। फिर उसके बाद शैम्पू है, जो कि 300 का है। मिनोक्सिडिल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंक्रीज हेयर थिकनेस बढ़ाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ करता है, ब्लड फ्लो को सही करता है, और इम्प्रूव्स हेयर की थिकनेस को इंक्रीज के साथ साथ इम्प्रूव भी करता है। और शैम्पू है, जो कि किसी तरह के हेयर को डैमेज होने से बचाता है, स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर रखता है, और क्वालिटी जो हेयर्स की है उसको बेहतर बनाने में काम करता है। इंग्रेडिएंट बायोटीन है, पी स्प्रॉट है उनमें। अब इसके अलावा जब हम नीचे जाते हैं तो ये स्कैल्प विथ ग्रोथ थेरेपी बूस्टर शॉट मुझे एक ये दे रहा है, और जो कि स्कैल्प की पीएच लेवल को मेंटेन करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, डैंड्रफ से रोकता है, और हेयर की थिकनेस को इंप्रूव करता है। इसके साथ वो एक हेयर रस दे रहे हैं, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए है, हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है, और प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना जो होता है उसे रोकता है, डिले करता है। तो ये मुझे रिकमेंड कर रहा है। अगर इसमें देखें हेयर रस में, तो भृंगराज, अश्वगंधा, आंवला, शतावरी, और इसके अलावा जो है हर्बल, बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं। अगर इसका देखा जाए तो इसमें भी एलोवेरा, ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला वगैरह, गुड़ीची वगैरह इसमें शामिल है। सो दिस इज़ हर्बल प्रोडक्ट और अच्छा है। इसके बाद ये मुझे हेयर विटामिंस दे रहा है, जो कि मैं अक्सर मल्टी विटामिंस या बायोटिन आप बोलो वो चीज़ है ये। और ये डैमेज जो हेयर्स के होते हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है, स्किन के साथ साथ आपकी हेयर्स को बेहतर बनाता है, हेयर को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है, बालों की जड़ों को, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके इंग्रेडिएंट को देखें तो जिंक है, सिलेनियम है, भृंगराज है, ओमेगा 3 है, और पम्पकिन सीड है, जो कि 520 में आता है। तो ये कुल मिलाकर मुझे इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट इन्होंने मुझे दिया है। तो
एक तो ये चीज़, अब इन्होंने यहाँ पर कुछ रिजल्ट शो किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे इनका कंडीशन जो है वो रजत साध बोलकर है, इन्होंने इनकी कंडीशन देखिए कुछ इस तरीके की थी, जो बाल्डनेस की स्थिति थी ऐसी थी, और उसके बाद 4 महीने तक जब इन्होंने इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो फिर इनकी कंडीशन कुछ ऐसी इम्प्रूव हुई है जो कि बहुत अच्छा है, और 8वें महीने की जो कंडीशन रही है कुछ इस तरीके की है, तो इट्स बेस्ट, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक ये है जो कि इनकी पहले महीने की कंडीशन कुछ इस तरह से थी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले, 3रे महीने की कंडीशन कुछ इस तरह से हुई, सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। इसके अलावा इनका कंडीशन अगर देखें तो 1st मंथ में कुछ ऐसा था, 5th मंथ में कुछ ऐसा रहा, और 7वें महीने में कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट इनको मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनका रिज़ल्ट जो है वो आप देखो कि 1st मंथ में इनकी कंडीशन कैसी थी, बाल्डनेस की स्थिति कैसी थी, 2nd मंथ में इनको जो रिज़ल्ट मिला कुछ इस तरीके से मिला सिर्फ 2nd मंथ में ही, और 3rd मंथ में इनके जो रिज़ल्ट रहे हेयर की ग्रोथ के और हेयर की थिकनेस के वो अमेजिंग रहा। तो ये चीज़ें हैं और इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका पैकेट अलाउ करता है। रिव्यू था मेरा और ये सजेशन था मेरा कि अगर आप इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, ज़्यादातर नहीं कर पाओगे, तो फिर आप ये 2-3 प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल करो, मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करो, बायोडिन आप इस्तेमाल करो, और हेयर रस अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो, इसकी जगह पे आप आंवले का इस्तेमाल कर लो, मार्केट में आंवला अभी मिलता होगा, उसे लेकर के आओ, उसका जूस बनाओ और मॉर्निंग में कम से कम 1/2 गिलास पियो, रेगुलरली कम से कम 10-15 दिन तक आप पियो, फिर उसके बाद आप देखना कि रिज़ल्ट आपका कैसा रहता है। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक शेयर ज़रूर करना।